अस्सलाम वालेकुम, एसएम न्यूज़ के साथ मैं हूं मुकद्दर रजा। एसएम न्यूज़ स्टूडियो में खुश आमदीद। खबरों का सिलसिला बढ़ाते हुए खबर शाम करते हैं लाहौर से। लाहौर के एक मुकामी हस्पताल में मुर्दा हालत में फेंकी जाने वाली स्टूडेंट के केस में लाहौर पुलिस की तफ्तीशी टीम ने गिरफ्तार तीनों मुलजमान का शॉर्टकट की अदालत से राहदारी रिमांड हासिल कर लिया। इस हवाले से बात करेंगे ब्यूरो चीफ बाबर भट्टी से। जी बाबर, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास। जी, लाहौर के एक निजी अस्पताल में मुर्दा हालत में फेंकी जाने वाली तलबा के केस में लाहौर पुलिस की तफ्तीशी टीम ने गिरफ्तार तीन मुलजमान का शोर कोर्ट की अदालत से राहदारी रिमांड हासिल कर लिया। तफ्तीशी टीम ने निजी अस्पताल का सीटीवी रिकॉर्ड भी कब्जा में ले लिया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार तीनों मुलजमान का तलब शोर कोर्ट से है, इसलिए थाना नवापुर लाहौर पुलिस की तफ्तीश टीम ने तीनों मुलजमान को शोर कोर्ट में एडिशनल सेशन जज की अदालत में पेश किया। तफ्तीशी टीम ने निजी अस्पताल का सीटीवी रिकॉर्ड भी कब्जा में ले लिया, जबकि बाकी मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। गिरफ्तार मुलजमान में तलबा का इस्तेकाते हमल करने का इल्जाम है। जी शुक्रिया बाबर तफसीलात से आगाह करने के लिए। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों के लिए देखते रहिए एसएम न्यूज़।